गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट, लेट्स कीप इट कंटिन्यू। आइए कुछ वेक्टर डिस्कस करते हैं। हमें सपोज करो ना वेक्टर गिवन है, यहाँ का एक्स एक्सिस है और यहाँ का एक वाई एक्सिस है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे मूव कर रहा है और उसका जो मास है वो एम हो गया और उसका जो वेलोसिटी हो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कितना होगा, वी हो गया, राइट। तो हमें किसी भी टाइम पे उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हमें टाइम टी पे उसका क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो देखिए ऐसा ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी कितना है, वी है, और कैसे वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ऐसा मान लेते हैं। तो मान लीजिए टी टाइम पे जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहे हैं, तो मान लीजिए टी टाइम पे ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, मास एम हो गया, वेलोसिटी क्या होगा, वी हो गया। तो उसका जो लीनियर मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, वी आएगा, है ना। मास एम है, वेलोसिटी का वी है, तो लीनियर मोमेंटम का वैल्यू कितना आएगा, वी आएगा, सॉरी एम वी आएगा, कितना आएगा, एम वी। मान लेते हैं इस स्टैंड पे इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, मतलब ये इसका पोजिशन वेक्टर क्या है, पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट। मास एम हो गया, वेलोसिटी क्या होगा, वी हो गया, तो लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, वी आएगा। और आर क्या है, आर इसका पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट टाइम टी। आप सब जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है, ये होता है आर क्रॉस पी, कितना होता है आर क्रॉस पी, या इसको लिखा जाता है आर इंटू पी इंटू साइन थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा का एंगल है किसके बीच में, आर और पी के बीच में, राइट। या आर होगा और ये आपका टी होगा, टी बोले तो लीनियर मोमेंटम, दोनों के बीच में ये एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। ये थीटा होगा तो ऑफकोर्स ये कितना होगा, थीटा होगा। अब इस आगे कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये कंपोनेंट आपका आएगा आर कोस थीटा, और ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आपका आएगा आर साइन थीटा, राइट। तो आपका वेक्टर आर कितना होगा, वेक्टर आर का वैल्यू आएगा आपका आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जी कैप, है ना। जो वेक्टर आर होगा कितना होगा, आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जी कैप होगा। अच्छा लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम आपका होगा एम वी, किस करोगे, एक्स करोगे तो कितना आएगा, आई कैप आएगा। तो आपको आर गिवन है, आपको पी गिवन है, आपको बेसिकली क्या निकालना है, आर कोस भी निकालना है, पता ही आपको उसमें कैसे निकालते हैं, क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे, जी कैप लिखेंगे, के कैप लिखेंगे, आर आर बोल दिस वन, आई के लोग कितना है आर कोस थीटा, तो आई के लोग कितना आएगा आर कोस थीटा, जे के लोग कितना है, जे के लोग है आर साइन थीटा, और के के लोग कुछ है नहीं तो कितना होगा, जीरो हो गया। लीनियर मोमेंटम किसके लोग हैं, एक्स के लोग हैं, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा एम वी, एम वी, है ना। यूनिट वेक्टर लगा दे तो उसके ऊपर हम एरो का निशान नहीं लगाएंगे, ये कितना होगा एम वी हो गया, ये कितना आएगा, जीरो आएगा, ये भी कितना आएगा, जीरो आएगा। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे रो वाइज, आप चाहते हैं ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, पहले हम क्या लिखेंगे, आई कैप, तो ये आई कैप हो गया, इस रो को कट कर देंगे, कॉलम को कट करेंगे, जीरो इंटू आर साइन थीटा कितना आएगा, जीरो आएगा, माइनस में कितना आएगा, जीरो इंटू जीरो कितना होगा, जीरो होगा, जीरो कितना होगा, जीरो होगा, फिर कितना आएगा, माइनस में कितना आएगा, जी कैप आएगा, है ना। हम क्या करेंगे, जिस कॉलम में और जिस रो में जी कैप है उसको हम कट कर देंगे, ये कट कर दिया और ये कट कर दिया, यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी आपको कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना। जीरो इंटू आर कोस थीटा कितना आएगा, जीरो, माइनस में एम बी इंटू जीरो कितना आएगा, ये भी आपको कितना आएगा, जीरो आएगा, प्लस में क्या हो गया, जी कैप हो गया, है ना। तो जिस रो में और कॉलम में आपका जी कैप है, जिस रो में और कॉलम आपका के कैप उसने कट कर दिया, कट कर दिया, अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इंटू आर कोस थीटा कितना आएगा आपका, जीरो आएगा, माइनस में कितना आएगा, एम बी इंटू आर साइन थीटा, तो कितना हो गया, एम बी इंटू में कितना हो गया, आर साइन थीटा हो गया, है ना। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आ गया वो कितना आ गया, एंगुलर मोमेंटम आएगा माइनस एम बी हो गया, इंटू में कितना आएगा, आर साइन थीटा, और साथ में आपका कहेगा के कैप, कहेगा के कैप, ऐसे लिखो एम वी आर साइन थीटा विद माइनस के कैप, कितना आएगा, एम वी आर साइन थीटा विद क्या आएगा, माइनस के कैप आएगा। अच्छा
एक बात तो आपको बताना भूल गया, ये जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है बी, कितना गिवन है, बी गिवन है क्वेश्चन में, तो सीधी बात है आर साइन थीटा, ये अगर थीटा है तो ऑफकोर्स ये भी कितना होगा, थीटा होगा, तो बोलो बी कितना होगा, ध्यान से देखिए, बी अपन आर, बी अपन आर कितना आएगा साइन थीटा, तो बी कितना आएगा आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो कितना आएगा एम आएगा बी आएगा, इंटो में क्या आएगा बी आएगा, और साथ में कितना आएगा माइनस के कैप होगा, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा एम बी बी, और कहाँ पर होगा अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तो ध्यान रखिएगा जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपका आएगा एम वी इंटू बी, और ये कहाँ होता है आपका माइनस जेड डायरेक्शन पे अलोंग होता है, राइट। तो सब क्वेश्चन को कर लेंगे, काफी जो क्वेश्चन है इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट में क्या है, इसको हमने रब कर दिया, तो हमारा जो नेक्स्ट मेडिकल है वो हमें क्यों है कि मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, एक हमारे पास वेक्टर पी, तो वेक्टर पी का वैल्यू क्या है, वेक्टर पी का वैल्यू आपका आई कैप माइनस फोर जी कैप, ये आपका वेक्टर पी है, दूसरा का गिवन है वेक्टर क्यू, वेक्टर क्यू का वैल्यू आपका थ्री आई कैप है, और तीसरा को गिवन है वेक्टर आर, वेक्टर आर का वैल्यू में कितना गिवन है, ये में कितना गिवन है टू आई कैप गिवन है, कितना गिवन है टू आई कैप, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर क्रॉस पी डॉट क्यू, ठीक है, हमें क्या निकालना है वेक्टर आर क्रॉस पी डॉट क्यू निकालना है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं पी डॉट क्यू निकाल लेते हैं, राइट, चल भाई ये निकालते हैं पी डॉट क्यू, तो पी डॉट क्यू क्या आएगा, डॉट डॉट आएगा, बोलो आई डॉट आई कितना होता है वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के कितना आएगा वन आएगा, तो पी का वैल्यू क्या है आई कैप माइनस में कितना हो गया फोर जी कैप हो गया, डॉट क्यू कितना है, क्यू आपके पास है थ्री आई कैप, डॉट लेके चलेंगे तो कितना आ गया थ्री आ गया, इसका इसके साथ क्या लेंगे डॉट लेंगे तो थ्री वजह कितना आएगा थ्री आएगा, साथ में कितना आएगा आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा वन आएगा, राइट, माइनस में कितना आएगा थ्री फोर जे कितना होगा ट्वेल्व हो गया, फिर साथ में कितना आएगा जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप कितना होता है जीरो, तो ये कितना आएगा जीरो आएगा, है ना, तो आपका जो वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू है उसका वैल्यू कितना हो गया थ्री हो गया, है ना, अब आपका जो वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू है ये कैसा क्वांटिटी है, अरे तो स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी स्केलर क्वांटिटी होगा मतलब यहाँ का स्केलर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, नहीं समझ आया, देखो मैं क्या बोला वेक्टर पी गिवन है वेक्टर क्यू गिवन है, पहले हमने क्या निकाल लिया पी डॉट क्यू निकाल लिया, पी डॉट क्यू निकालेंगे तो कितना आएगा थ्री आएगा, है ना, अब थ्री जो है वो कैसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है स्केलर, थ्री में प्रोडक्शन थोड़ी है, तो वेक्टर प्रोडक्ट किसका होता है दो वेक्टर का होता है, यहाँ पर ये बेसिकली क्या है स्केलर क्वांटिटी है तो इसका आर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट नहीं हो सकता, राइट, वेक्टर प्रोडक्ट किसका होगा दो वेक्टर्स का होगा, यहाँ पर आर तो वेक्टर है पर जो पी डॉट क्यू है वो वेक्टर नहीं है, वो क्या है स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इस क्वांटिटी का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा जो पी डॉट क्यू है उसका आर के साथ जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, चलिए और मैं के लेके चलते हैं, जैसा मैं क्वेश्चन की बना है वेक्टर ए का वैल्यू में कितना गिवन है, ये गिवन है माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप और मुझे कितना गिवन है प्लस के कैप, ये आपका वेक्टर ए है, तो वेक्टर बी का वैल्यू कितना हो गया, वेक्टर बी का वैल्यू है आपका आई कैप हो गया माइनस में कितना होगा फाइव जी कैप हो गया प्लस में कितना होगा सिक्स के कैप हो गया, ये मैं वेक्टर बी गिवन है, तो मैं वेक्टर ए गिवन है वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या करेंगे एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सक्सेसिव साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, हाँ जी बताइए पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बोलो बोलो पैरेललोग्राम का एरिया होता है ए क्रॉस बी का मॉडुलस, मॉडल्स कैसे निकालते हैं दो डंडे लगाएंगे डेटरमिनेंट्स, यहाँ का आएगा आई कैप आएगा फिर क्या आएगा जी कैप आएगा फिर क्या आएगा वी कैप आएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस वन आएगा यहाँ कितना आएगा टू आएगा यहाँ कितना आएगा वन आएगा,
बी में कितना होगा, वन हो गया, माइनस फाइव हो गया, और सामने कितना होगा, सिक्स हो गया, बस सोल्व करो तो ये कितना हो गया आपका आई कैप हो गया, ऐसे होता ना, प्लस माइनस प्लस होता है। इस रो को छोड़, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, सिक्स टू जा ट्वेल्व, यहाँ कितना आएगा ट्वेल्व आएगा, माइनस माइनस फाइव बन जाए कितना आएगा माइनस फाइव, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस फाइव हो गया। आप क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप हो गया। इस रो को कट कर दो, कॉलम को कट कर दो, इसका इसके साथ प्रोडक्ट कितना आएगा माइनस सिक्स आएगा, तो ये कितना होगा माइनस सिक्स हो गया, माइनस वन बन जाए कितना आएगा वन आएगा, तो आपका वन हो गया। प्लस में कितना आएगा के कैप आएगा, तो के कैप हो गया। इस कॉलम को काट दो, इस रो को काट दो, कितना आ गया माइनस फाइव इंटू माइनस वन कितना हो गया फाइव हो गया, माइनस में कितना हो गया आपका टू होगा। सोल्व करो, यहाँ कितना आएगा आपका सेवनटीन आई कैप आएगा, यहाँ कितना आएगा आपका प्लस सेवन क्या हो गया जी कैप हो गया, और यहाँ कितना हो गया प्लस में क्या हो गया थ्री के कैप हो गया। तो एट क्रॉस भी निकाला, बट हमें तो एट क्रॉस भी का मॉडल्स निकालना है। मॉडल्स कैसे निकालते हैं, हम सीधी बात है रूट करेंगे, रूट हो गया आई कैप का कोफिशियंट क्या है सेवनटीन, स्क्वे कितना आएगा टू एट्टी नाइन, जे कैप का कोफिशियंट क्या है सेवन, स्क्वे कितना आएगा फोर्टी नाइन, प्लस के कैप का कोफिशियंट क्या है थ्री, तो थ्री का स्क्वे कितना आएगा नाइन आएगा। सब ऐड कर दो आपका आंसर आएगा कितना आएगा 58 हो गया। 58 में क्या करेंगे 289 ऐड करेंगे, बोलो कितना आएगा, ये आपका आएगा 347 है ना। तो जो पैरेललोग्राम का एरिया आएगा वो कितना होगा रूट ऑफ 347 राइट। कितना लगेगा पैरेललोग्राम का एरिया होता है मॉडल्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मॉडल्स होगा वो बेसिकली पैरेललोग्राम का एरिया होता है राइट। चलिए और एंगल्स करते हैं, हमें क्वेश्चन गिवन है, ये हमें दिया कि वेक्टर ए का वैल्यू है, ये मान लीजिए आपका वेक्टर नहीं है, और वेक्टर ए का वैल्यू कितना गिवन है, वेक्टर ए का वैल्यू है आपका आई कैप है माइनस टू जी कैप है और प्लस के कैप, ये आपका वेक्टर ए है। और वेक्टर बी कितना होगा, वेक्टर बी का आपका वैल्यू आएगा माइनस थ्री आई कैप आएगा, प्लस में कितना आएगा फोर जी कैप आएगा, और प्लस में क्या आएगा के कैप आएगा। वेक्टर ए की मैंने वेक्टर की मैंने हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी, हमें वो यूनिट वेक्टर निकालना है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के क्या परपेंडिकुलर है। तो ये मैंने आपको इनिशियल बताया था है ना, कैसे एन कैप निकालना है, क्या निकालना है एन कैप, एन कैप कैसे निकालते हैं हम सब जानते हैं कितना होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा, नीचे कितना आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या आएगा मॉडल्स आएगा राइट निकालो है ना। तो ए क्रॉस भी निकालते हैं, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा ए क्रॉस भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, बोलो कैसे निकालते हैं, दो पैरेलल डंडे लगाएंगे, ये आई कैप हो गया जे कैप हो गया के कैप हो गया राइट। या एक्स का कोफिशियंट वन हो गया, वाई का कोफिशियंट माइनस टू हो गया, यहाँ कोफिशियंट कितना होगा वन हो गया, यहाँ कितना आएगा माइनस थ्री आएगा, यहाँ कितना आएगा फोर आएगा, यहाँ कितना आएगा वन आएगा राइट। एक्सपेंड करो रो वाइज तो क्या आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा आई कैप, तो आपका आपका ही कैप हो गया। ये रो हटा दो कॉलम हटा दो तो माइनस टू बच्चा कितना आएगा माइनस टू आएगा, और साथ में माइनस फोर आएगा, फिर क्या आएगा माइनस में जी कैप आएगा। इस रो को कट करो कॉलम को कट करो, वन बच्चा कितना आएगा वन हो गया, माइनस कितना आएगा माइनस थ्री पे कितना होगा प्लस थ्री, दे प्लस थ्री हो गया प्लस थ्री, साथ में कितना आएगा प्लस के कैप आएगा। इस रो को हटाओ कॉलम कटाओ तो ये कितना होगा फोर हो गया, साथ में कितना होगा माइनस सिक्स हो गया। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यह आपका आएगा माइनस सिक्स आई कैप आएगा, साथ में कितना आएगा माइनस फोर जे कैप आएगा, और साथ में कितना आएगा माइनस टू के कैप आएगा है ना। सही कह रहे मैंने ठीक है, ये क्या निकला है ए क्रॉस बी निकला है, क्या निकला है ए क्रॉस बी, ये तो निकला है मॉडल्स निकाला उसका, मॉडल्स कितना आएगा यह आएगा माइनस सिक्स, माइनस सिक्स का स्क्वेयर कितना आएगा 36, तो यहाँ पर 36 हो गया, यह आएगा माइनस फोर, माइनस फोर का स्क्वेयर कितना आएगा 16, तो 16 हो गया, यहाँ पर आएगा माइनस टू, माइनस टू का स्क्वेयर कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पर कितना होगा रूट 56 है ना। बस उठा के पुट कर दो आप एन कैप निकल आएगा, तो एन कैप कितना आ गया माइनस सिक्स आई कैप हो गया, माइनस फोर जी कैप हो गया,
और माइनस टू के कैप हो गया, और नीचे कितना आएगा, नीचे आपका आएगा रूट 56। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, वो यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर, राइट। ये कितना था आपका माइनस टू, दिस इज टू, ये बेसिकली कितना है टू, तो कितना आएगा माइनस सिक्स आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस टू के कैप अपॉन में रूट 56। दिस वुड बी द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी, राइट। तो ध्यान रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है। मान लीजिए मेरे को दो वेक्टर गिवन है और हमें प्रूव करना है कि वेक्टर पैरेलल है या नहीं है, तो क्या निकालेंगे, क्रॉस निकालेंगे। अगर क्रॉस जीरो आया तो पैरेलल है, क्रॉस जीरो नहीं आया तो पैरेलल नहीं है। दूसरा मान लो मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो हम एक क्रॉस बी का मॉडल्स निकालेंगे। मान लो मैं किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम एक क्रॉस बी का मॉडल्स निकालेंगे, उसका हाफ कर देंगे, है ना। और बताइए, हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना हो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसके भी यूज़ करेंगे। अच्छा मान लीजिए दो वेक्टर पैरेलल गिवन है और हमें कोई कांस्टेंट निकालना है तो उसका वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे कांस्टेंट की वैल्यू, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, राइट। ये पहला वेक्टर था जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में किया था। सो दीज वर द न्यूमेरिकल्स व्हिच वर बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए एक और वेरिएबल और ये भी कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पी, दिस इज अ वेक्टर पी, तो वेक्टर पी का वैल्यू कितना गिवन है, 40 आई कैप, तो ये आपको गिवन है 40 आई कैप, साथ में कितना गिवन है प्लस 2 जे कैप, ये कितना हो गया प्लस 2 कितना हो गया जे कैप हो गया, माइनस में कितना हो गया टी स्क्वायर के कैप हो गया, तो टी स्क्वायर के कैप हो गया। वेक्टर क्यू, वेक्टर क्यू का वैल्यू कितना गिवन है 2 टी स्क्वायर आई कैप, राइट। साथ में कितना गिवन है माइनस टी क्या हो गया जे कैप हो गया, और प्लस में आपका कितना हो गया 3 के कैप हो गया। तो ऊपर वाला वेक्टर पी है और नीचे वाला वेक्टर क्यू है, हमें क्या निकालना है, हमें तो लिखा है मॉडुलस किसका, वेक्टर पी क्रॉस डी क्यू बाई डी टी, ये हमें निकालना है वेक्टर पी क्रॉस डी क्यू बाई डी टी। तो पहले तो हमें डी क्यू बाई डी टी निकालना पड़ेगा, क्या करेंगे क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, बोलो कितना आएगा। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा डी क्यू अपॉन में कितना हो गया डी टी हो गया, हाँ जी, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 4t आई कैप, है ना। ये कितना आएगा माइनस में कितना हो गया जी कैप हो गया, बट टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, वन आएगा, 3 अकेला है कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा जीरो आएगा। तो डी क्यू बाई डी टी कितना हो गया 4t आई कैप, माइनस में कितना होगा जी कैप हो गया। अच्छा ये मैं कब निकालना है, जब टाइम का वैल्यू कितना है जीरो में, तो मैं ये वैक्टर मालूम है और ये वैक्टर मालूम है, क्या निकालना है पी क्रॉस डी क्यू बाई डी टी, कैसे निकालते हैं, दो डंडे लगाओ, ये क्या हो गया आई कैप हो गया, ये जी कैप हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया डी कैप हो गया, या जो ये कितना आएगा 40, तो ये कितना होगा 40 हो गया, ये कितना होगा 2 हो गया, साथ में कितना हो गया माइनस टी स्क्वायर हो गया, यहाँ जो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 40, तो ये कितना हो गया 40 हो गया, माइनस में कितना हो गया माइनस में आपका 1 हो गया, झट कर लो कितना है 0, तो 0 हो गया, है ना। तो बस सॉल्व करो क्या होता है, प्लस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ क्या लगेंगे आई कैप, तो आई कैप हो गया। इस रो को कट करो, कॉलम को कट करो, 0 टू 0, माइनस में कितना आएगा टी स्क्वायर, है ना, फिर कितना आएगा माइनस में जे कैप, तो माइनस जे कैप हो गया, समझ आया ना कैसा आएगा। देखो 0 टू 0 कितना होगा 0 हो गया, फिर एक माइनस लगाया, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा टी स्क्वायर, तो माइनस टी स्क्वायर हो गया, या माइनस जी कैप हो गया। इस रो को पर इस रो को हटाओ, कॉलम को हटाओ, इसका इसके साथ प्रोडक्ट कितना आएगा 0 आएगा, फिर इसका इसके साथ प्रोडक्ट कितना आएगा माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 4t क्यूब हो गया, तो ये 4t क्यूब हो गया, दिस इज 4t क्यूब, प्लस में क्या आएगा के कैप आएगा, है ना। इसको हटा दो, इसको हटा दो, कितना आ गया, ये आपका आ गया माइनस 4t, ऐसे करेंगे तो कितना आएगा माइनस 4t आएगा, और माइनस में कितना आएगा आपका 8t आएगा, तो आपका माइनस 8t हो गया, है ना। ये बेसिकली क्या निकल आया, ये निकला है पी क्रॉस डी क्यू बाई डी टी, क्या निकल आया पी क्रॉस डी क्यू बाई डी टी, पर हमें तो क्या चाहिए, इसका मॉडुलस चाहिए, क्या चाहिए मॉडुलस, हमें क्या चाहिए बेसिकली इसका मॉडुलस चाहिए। ये कितना आएगा माइनस टी स्क्वायर, ये कितना आएगा 4t क्यूब, और ये कितना आएगा माइनस 12t। तो मॉडल्स कैसे निकालेंगे, रूट करेंगे, है ना,
यहाँ कितना आएगा माइनस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर कितना आएगा टी की पावर फोर आएगा, टी की पावर फोर हो गया। वाई का कोफिशिएंट क्या है माइनस फोर्टी क्यूब है ना, इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वेयर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा और टी की रेशियो पावर कितना आएगा 6 आएगा है ना। स्क्वेयर करेंगे तो 4 का स्क्वेयर कितना होगा 16 हो गया और टी क्यूब का स्क्वेयर कितना आएगा टी रेशियो पावर 6 आएगा। इसका करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा प्लस 144 है ना 12 है ना, तो 12 का स्क्वेयर कितना हो गया 144 हो गया। टी का स्क्वेयर कितना हो गया टी स्क्वेयर हो गया। ये बेसिकली क्या निकल आया पी क्रॉस टी क्यूब बाई टी का मॉडल्स निकल आया। ये मॉडल्स हमें कब निकालना है टाइम जब कितना होगा जीरो होगा, तो टाइम को जीरो पुट करेंगे तो सारा कितना आएगा जीरो आएगा है ना। तो जब टाइम आपका जीरो है तो पी क्रॉस टी क्यूब बाई टी का मॉडल्स कितना आएगा जीरो है ना। देखिए मैं रिपीट करता हूँ, ये मैं वेक्टर पी की मैंने वेक्टर पी का वैल्यू है 40i कैप प्लस 2j कैप माइनस टी स्क्वायर k कैप और वेक्टर क्यू का वैल्यू कितना गिवन है 2t² i कैप माइनस टी जे कैप प्लस टी के कैप। ये हमें पी और क्यू की का हमें क्या निकालना है वेक्टर पी क्रॉस टी क्यू बाई टी निकालना है, कब निकालना है इसका मॉडल्स निकालना है, कल जो टाइम कितना होगा जीरो होगा। तो एक क्यू है पहले हम क्या निकालेंगे डी क्यू बाई डी टी, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में कितना आएगा टू हो गया, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 2t आएगा तो 40 हो गया 40i कैप माइनस में कितना होगा जी कैप हो गया राइट। तो हमें डी क्यू बाई डी मिल गया पी ए का आई जे क्यू हो गया, ये कितना आएगा 40 आएगा ये 2 आएगा माइनस में टी स्क्वायर आएगा, यहाँ कितना आएगा 40 आएगा माइनस वन आएगा जीरो आएगा। बस क्रॉस ले लो, क्रॉस लेकर चलेंगे तो आपका ही कैप हो गया, इस कॉलम को कट किया रो को कट किया ये जीरो माइनस में टी स्क्वायर हो गया है ना। फिर कितना आएगा माइनस में जी कैप आएगा, रो को कट किया कॉलम को कट किया तो ये कितना होगा जीरो हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 40 क्यूब हो गया। क्या आप इसको लेकर चलेंगे तो एक रो को कट किया कॉलम को कट किया कैसे करेंगे माइनस 40 माइनस 80 है ना। ये क्या निकलाया ये निकलाया पी क्रॉस डी क्यू बाई डी टी, हमें इसका मॉडल्स लेना है तो हमने मॉडल्स ले लिया और मॉडल्स निकालना कब है जब टाइम जीरो है तो टाइम का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो इसका मॉडल्स कितना होगा जीरो हो गया। तो ध्यान रखिएगा पी क्रॉस डी क्यू बाई डी टी का मॉडल जो है टाइम जीरो में कितना होगा जीरो राइट। सो दीज वर द व्हीकल्स व्हिच वर बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो ये जो व्हीकल्स थे उनसे बेसिकली काम इसे क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड। तो मान लीजिए हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, जैसे मैंने पैरेललोग्राम गिवन है और हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल्स मालूम है, क्या मालूम है डायगोनल्स, और हमें उसका क्या निकालना है हमें उसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जैसे मान लीजिए ये मुझे एक पैरेललोग्राम गिवन है, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका क्या है वेक्टर बी है, मैंने वेक्टर ए को इसके पैरेलल शिफ्ट किया और मैंने वेक्टर बी को भी इसके पैरेलल शिफ्ट। अब मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन नहीं है, मुझे डायगोनल्स गिवन है। मान लीजिए ये आपका एक डायगोनल हो गया और ये आपका दूसरा डायगोनल हो गया, तो मुझे क्या गिवन है डायगोनल्स गिवन है। ये सर डायगोनल को मैंने नाम दिया D1 और इस डायगोनल को मैंने क्या नाम दिया D2 ठीक है। ये डायगोनल्स D1 है डायगोनल्स के D2 है, हमें बेसिकली इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। ध्यान रखिएगा इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो कितना होगा 1/2 मॉडल ऑफ D1 क्रॉस D2। हम क्या करेंगे तो डायगोनल्स है ना उनका क्या लेके चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, हमारे डायगोनल्स का लिया क्रॉस प्रोडक्ट लिया उसको मैंने हाफ से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ये क्या निकलाएगा एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये जो आएगा वो आपका आएगा एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया कितना आएगा हाफ ऑफ मॉडल्स ऑफ D1 क्रॉस D2। D1 क्या है D1 आपका डायगोनल है और D2 भी क्या है डायगोनल है किसका इस पैरेललोग्राम। अच्छा नहीं D1 किसके इक्वल होगा कोई आपसे पूछे D1 किसके इक्वल है, देखो ट्रायंगल बना इस ट्रायंगल में ए और बी क्या सेम ऑर्डर में है और D1 किस में है अपोजिट ऑर्डर में है, तो क्या आएगा यह आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना आएगा वेक्टर D1 आएगा राइट। D2 बताओ, हाँ जी D2 बताइए कैसे होगा, देखो यह आपका वेक्टर क्या है ए है, यह आपका वेक्टर क्या है D2 है, देखो इस ट्रायंगल को देखो इस ट्रायंगल में वाला वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या D2 है, ए और D2 किस में सेम ऑर्डर में है, आपका वेक्टर ए हो गया प्लस में क्या होगा वेक्टर D2 हो गया और ये वाला वेक्टर बी क्या है रिवर्स ऑर्डर में है तो ये कितना हो गया आपका वेक्टर बी हो गया। तो D2 का वैल्यू कितना आएगा D2 का वैल्यू आएगा वेक्टर बी माइनस ए
ना, तो डी टू का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो गया, बी माइनस सी होगा, कितना हो गया, बी माइनस सी। ठीक है, ऐसा तो कर लेंगे। ये आप सीधा ध्यान रखिएगा, सीधा फॉर्मूला है कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ डी वन क्रॉस डी टू। डी वन डी टू क्या है, डी वन डी टू डायगोनल्स है किसके, पैरेललोग्राम के। अब मान लीजिए हम एक माइक लेके चलें, तो मान लीजिए मैंने कोई डी वन दिया डी टू दिया, तो मैंने बोला पैरेललोग्राम का एरिया निकालो, तो क्वेश्चन वही है, हमें डी वन क्रॉस डी टू निकालना पड़ेगा, उसका मॉडुलस निकालेंगे, उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये तो मतलब रिपीटेशन होगा, तो बार बार इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, बस ध्यान रखिएगा d1 d2 आपके डायगोनल्स है, तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ d1 क्रॉस d2 अपॉन हाफ, दैट